व्हेन अ गर्ल गेट मैरिड, तो उस केस में उसके लिए सब कुछ नया होता है वहां पे। तो वहां के रूल्स रेगुलेशंस उसे सब कुछ बताया जाता है, उसे गाइड किया जाता है, उसके वहां पे जो भी काम रहता है वो सब उसे बताया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं वैसा करना है। तो ये क्या होता है कि उसे धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है, एंड इट हार्डली टेक 1 ईयर कि वो सेटल डाउन होके वो पूरा ट्रेन हो जाती है, राइट? तो इस तरीके से उसे डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि वो सब कुछ सीख जाए। वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे भी जब न्यू वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें इतना नॉलेज नहीं होता, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें डायरेक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बताए जाते हैं, उन्हें एडवाइस दी जाती है कि ताकि वो अच्छे से ट्रेंड हो जाए। तो वही चीज आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से डायरेक्शंस दिए जाते हैं, किस किस टाइप्स के डायरेक्शंस होते हैं। सो दैट इज विल स्टार्ट द चैप्टर, दैट इज डायरेक्टिंग। सो व्हाट इज डायरेक्टिंग? इट मीन्स टू गाइड द वर्कर्स, मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क, सुपरवाइज देम एंड टू मेंटेन देयर एंथुसियाज्म फॉर द वर्क। उन्हें अवेयर करना पड़ेगा कि ये काम आपको करना है, उन्हें सुपरवाइज, उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें, एंड उनका इंथुसियाज्म हमेशा बना हुआ रहना चाहिए, उन्हें इंटरेस्ट होना चाहिए वो वर्क करने के लिए। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शंस। हमें इस तरीके से उन्हें डायरेक्शंस देने पड़ेंगे। और यहाँ एक डेफिनेशन दी गई है बाय डोनाल्ड, इट इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबॉर्डिनेट। एक तरीके से गाइडेंस हुआ, और कैसे हम उसे क्या करें, ऑब्जर्व करें हमारे सबॉर्डिनेट्स को, कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ऑब्जर्व करेगा और गाइड करेगा जब उसे अपने फंक्शंस एग्जीक्यूट स्टार्ट करने, दैट इज डायरेक्टिंग। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखते हैं क्या है। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। क्या ऐसा है कि एक लेवल पे आपको डायरेक्शंस दे दिए गए फिर बाद में नहीं दिए गए? नहीं, डायरेक्टिंग तो आपको बिजनेस जब तक चल रहा है तब तक देने ही पड़ेंगे कि आपको अभी ऐसा करना है, थोड़े टाइम बाद आपको कुछ और करना है, तो उस तरीके से डायरेक्शंस हमेशा दिए जाते हैं। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मोटिवेशन, जब डायरेक्शंस दिए जाते हैं कि आपको इस तरीके से वर्क करना है, इस तरीके से गाइड किया जाता है, तो एक तरीके से क्या होता है, ये मोटिवेशन का वर्क करता है कि हाँ हमें अच्छे से बताया जा रहा है हमें किस तरीके से वर्क करना है, हमें कोई फोर्सफुली या हमें प्रेशराइज करके वर्क नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक तरीके से मोटिवेशन का काम करता है। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्टिंग हमेशा किस तरीके से जाती है, ऊपर से नीचे जाएगी, इसका लेवल कैसे जाएगा, सुपीरियर से लोअर तक, तो उस तरीके से क्या होता है, इसका डायरेक्शंस हमेशा अपर से लोअर जाएगा। मैनेजेरियल फंक्शन, ये एक मैनेजेरियल फंक्शन है जो हमने देखे मैनेजमेंट का। एक एक फंक्शन हमने देखा, प्लानिंग हमने देखा, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और वैसे ही ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज डायरेक्टिंग। कि आप स्टाफिंग तो आपने कर ली, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से डायरेक्ट नहीं करोगे तो क्या आपका बिजनेस चलेगा? आपके डायरेक्शंस पे ही आपका बिजनेस टिका है, क्योंकि वर्कर्स तो काम करेंगे आपके अकॉर्डिंग, बट आप कितने अच्छे से डायरेक्ट कर रहे हो वो डिपेंड करता है आप पे, कि आपका बिजनेस किस तरीके से चलेगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्शंस पे। तो दैट इज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एवरी लेवल कैसे हुआ, कि हम बोलेंगे सुपीरियर जो है अपर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्शंस देता है, मिडिल वाला लोअर को देता है, और लोअर वाला अपने वर्कर्स को देता है। तो इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है, इसीलिए ये हर एक लेवल पे काम आएगा। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है जब डायरेक्शंस दिए जाते हैं। हमने देखा एक मैनेजमेंट दूसरे को दे रहा है, दूसरा तीसरे, तो क्या हो रहा है, ये एक कम्युनिकेशन बिल्डअप हो रहा है यहाँ पे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन, डायरेक्शन दिए ही इसीलिए जाते हैं कि मैंने एक बार डायरेक्ट दिया है, लेकिन अब मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी तो सही जो मैंने डायरेक्शन दिए क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं तो मेरे डायरेक्शन तो वेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी किया जाएगा। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, आप डायरेक्शन दे क्यों रहे हो, कि आप अपने गोल को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, दैट्स वाई। एंड इट्स अ वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप मतलब कि मैंने सिर्फ मेरे डायरेक्शंस में इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मुझे मेरा काम करवाना है, ताकि मैं क्यों दे रही हूँ कि मुझे मेरे डिसीजंस को बिल्डअप करना है, मुझे मेरा गोल अचीव करना है, मुझे मेरे गोल को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसीलिए ये डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, इसीलिए इसका क्या स्कोप है, वाइड। क्लियर है? तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। अब इसमें कुछ मैंने मेमोरी टेक्निक आपको दी है,
सीएम ने कंटिन्यूस प्रोसेस एंड एम फॉर मोटिवेशन, सीएम ने एफएम फ्लो ऑफ डायरेक्शन मैनेजरियल फंक्शन पे, इको एवरी लेवल कम्युनिकेशन ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शन, फ्रेंडली गोल गोल स्टार्ट एस को करने की बात कही। सीएम ने एफएम पे इको फ्रेंडली गोल स्टार्ट करने की बात कही। आई थिंक इट्स वेरी इजी कि आपको बहुत जल्दी इससे लर्न हो जाएगा। नाउ विल स्टडी द इम्पॉर्टेंस। अब इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस तो होना ही है कि डायरेक्शंस ऐसे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डायरेक्शंस चल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमें हमारा बिजनेस अचीव करना है, उसका गोल अचीव करना है, तो डायरेक्शंस बहुत जरूरी है। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से डायरेक्शंस दे रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जिस तरीके से डायरेक्शंस दिए जाएंगे एम्प्लॉइज को, तो क्या होगा? एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उसमें, कि उन्हें पता है कि हाँ हमें डायरेक्शंस जब दिए गए तो वो लोग भी क्या होंगे, उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ हमें इस तरीके से वर्क करना है। तो इस तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगी और उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। देन असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। हमने डायरेक्शंस तो दे दी है एम्प्लॉइज को, लेकिन क्या वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमें असेस तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए डायरेक्टिंग जरूरी है कि आप डायरेक्शंस देके उसको असेस करो। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस दी जा रही है, हमें बहुत अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं काम करने के लिए। हमें कोई फोर्सफुली नहीं बोल रहा है कि ऐसे करो या वो ऐसे करो, नहीं, हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वर्कर्स मोटिवेट हो रहे हैं वर्क करने के लिए। इफेक्टिव प्लानिंग। हमने जो चीज प्लान की है तो वो आपका इफेक्ट कब देगा? वो इफेक्टिव कब होगा? जब उसका आप प्रॉपर गाइडेंस दोगे। मैंने प्लान कर लिया कि मुझे ऐसा करना है, मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव करना है, लेकिन मैं करूंगी कैसे? जब मेरे वर्कर्स अच्छे से वर्क करेंगे। तो वर्कर्स अच्छे से वर्क कब करेंगे? जब आप अच्छे से डायरेक्शंस दोगे। तो आपकी ये प्लानिंग इफेक्टिव ही पूरे डायरेक्शंस पे होगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव कैसे होगा? वो ऑर्गेनाइजेशन जब होगा जब डायरेक्शन अच्छे से दे के हम अच्छे से हमारे गोल को अचीव कर पाएंगे। हमने सबको डायरेक्शन दे दिए कि इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, हमने सबको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दी। तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव जब ही होगा जो वर्कआउट अच्छे से किया जाएगा, आप डायरेक्शन अच्छे से दे सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव देने के लिए बहुत जरूरी है अच्छे से डायरेक्शन दे। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, हमेशा हम बोलते हैं कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप डायरेक्शंस दोगे, आप उन्हें गाइडेंस दोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, उससे क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन बनेगा कि ताकि अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी कोई भी बात करनी है तो वो फ्रेंकली आपसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपका बिल्डअप होगा रिलेशन। तो वही वो बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अगर आपको बिल्डअप करना है तो डायरेक्शन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से उन्हें गाइडेंस दे रहे हो। फंक्शन ऑफ कंट्रोल। देखो कंट्रोलिंग कब होगा? जब आप डायरेक्शंस दोगे। अगर मैंने कह दिया कि आपको 10 दिन के अंदर 5 लाख की सेल करनी है, मैंने ये टारगेट रख दिया, तो क्या मैं सिर्फ ये डायरेक्शंस देके चली जाऊंगी? मुझे उसे कंट्रोल करना पड़ेगा ना। मुझे हर 2 दिन में देखना पड़ेगा या हर एक दिन के लास्ट में मुझे देखना पड़ेगा कितनी सेल हुई। तो अगर मुझे कंट्रोल रखना है तो मुझे डायरेक्शंस करने पड़ेंगे, मुझे उन्हें डायरेक्शंस देने पड़ेंगे। मैंने देखा आज के दिन में एंडिंग में कितनी सेल हुई है, इतनी हुई नहीं, तो फिर कैसे 10 डेज के बाद मैं मेरा टारगेट अचीव कर पाऊंगी? क्या होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए डायरेक्शंस जरूरी है। मैंने देखा यार एक दिन में तो सिर्फ 40,000 की सेल्स हुई है, तो क्या मैं 10 दिन में मेरा टारगेट अचीव कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए मुझे डायरेक्शंस देने पड़ेंगे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाओ, एफिशिएंसी इंक्रीज करो। तो इसीलिए डायरेक्टिंग जरूरी है। इंक्रीज इन एंथुसियाज्म कैसे होगा? जब हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि आप अगर अच्छे से वर्क करोगे तो बिजनेस अच्छे से चलेगा, बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो आपका इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरीज इंक्रीज होगी।
इस तरीके से जब गाइडेंस डायरेक्शंस मिलते हैं तो अपने आप उनका एंथुसियाज्म बढ़ जाता है। फाइंडिंग आउट डेविएशंस, डेविएशंस क्या गलती की है, तो वो हमें एरर्स निकालने के लिए डायरेक्शंस देने पड़ेंगे। मैंने ये तो दे दिया कि आपको ये से वर्क करना है, बट मैं उसको वापस नहीं देखूंगी, और नहीं देखूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और उसके अंदर से कुछ अगर डेविएशंस है, मतलब कुछ डिफरेंसेस है, तो मैं कैसे पता करूंगी। तो अगर आपको डिफरेंसेस देखने हैं कि जैसे आपने कहा था वैसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको डायरेक्शंस देने पड़ेंगे, आपको बार बार में डायरेक्शंस देने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, ऑब्जर्व करते रहने पड़ेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंस है हमारे लिए डायरेक्टिंग। अब देखो डायरेक्टिंग तो इम्पोर्टेंट है, बट इसके कुछ एलिमेंट्स है कि कैसे कैसे आप डायरेक्टिंग कर सकते हो। फर्स्ट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये चार टाइप्स के एलिमेंट्स हैं जिससे आप डायरेक्शंस दे सकते हो। सो विल स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट इज सुपरविजन। इट मींस टू गेट अश्योरेंस दैट सबॉर्डिनेट्स हैव इंप्लीमेंटेड द वर्क गिवन टू देम एज पर ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस और नॉट। सुपरविजन करना क्या होता है, ऑब्जर्व करना कि जैसे मैंने कहा वैसे वो लोग कर रहे हैं या नहीं। तो मैं क्या करूंगी, हमेशा मेरी आंखें उन पे ही रहेंगी कि हाँ वो लोग उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सुपरविजन मतलब सुपरवाइज करना, देखना जो इंस्ट्रक्शंस मैंने एम्प्लॉयज को दिए हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। क्लियर? तो उसको बोला जाता है सुपरविजन। इट मीन्स टू सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे कुछ फंक्शन है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के क्या क्या फंक्शन से देखते हैं। टू प्लान द फंक्शन एंड टू रिमूव द हर्डल्स। सुपरवाइजर जो रहता है उसको वर्क कौन देता है, मैनेजमेंट देता है। और फिर सुपरवाइजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को देखता है। तो ये क्या, ये लिंक है, ये एक तरीके से मीडिएटर हो गया कि मैनेजमेंट से वर्क लिया और यहाँ पे एम्प्लॉयज को दिया। तो ये क्या करेगा, प्लान करेगा कि कैसे वर्कर्स को मैं फंक्शन समझाऊं या उनको प्लान करूं कि कैसे वर्क करना है। एंड कोई भी अगर हर्डल्स, कुछ भी रुकावटें आएगी तो ये कौन करेगा, सुपरवाइजर उसको रिमूव करेगा। ये काम होता है उसका। नेसेसरी गाइडेंस और डायरेक्शंस देता है कि नहीं ऐसे नहीं, आप इस तरीके से वर्क करो तो ये ज्यादा एफिशिएंटली होगा, आप अपना टाइम वेस्ट कम करो, राइट? तो ये सब डायरेक्शंस वो आपको देगा। सुपरवाइज द एम्प्लॉयज कॉन्स्टेंटली। ऐसे नहीं है सुपरवाइजर ने आज आपको बोला है फिर 10 दिन नहीं बोलेगा, वो आपको कंटिन्यू देखता रहेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, वो उसका फंक्शन होता है। मोटिवेट और एनकरेज करेगा वो एम्प्लॉयज को कि आप किस तरीके से, आप अगर काम करोगे तो ये आपको मोटिवेशन देगा, ये आपको प्रॉफिट देगा। इस तरीके से सुपरवाइजर मोटिवेशन देगा। फीलिंग ऑफ वननेस अमॉन्ग एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज को बांध के रखेगा एक के जैसे, कि सब एक दूसरे से क्या कर सके, अच्छे से कोऑर्डिनेट करे, बातें करे, यूनिटी के साथ रहे। डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेगा। डज नॉट कीप कंट्रोल बट प्रोवाइड ट्रेनिंग। देखो सुपरवाइजर का काम कभी ये नहीं है कि उनको प्रेशराइज करना एम्प्लॉयज को, उनको ऑर्डर देना। उनका काम क्या है, सिर्फ उनको ट्रेन करना, उनको बताना, उनको डायरेक्शंस देना। तो कभी भी ये काम सुपरवाइजर उन्हें कभी भी प्रेशराइज या उनको ऑर्डर नहीं देगा। कम्युनिकेशन वर्क फास्टर। जैसे ही सुपरवाइजर के पास कोई भी कम्युनिकेशन आता है अपर लेवल से, वो डायरेक्टली फटाफट किसको दे देता है, लोअर को। वो इतना गैप नहीं रखता, जैसे उसको कुछ कम्युनिकेट करना रहता है वो जल्दी से कर देता है एम्प्लॉयज को। इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज पर्सनल इंटरेस्ट विद बिजनेस इंटरेस्ट। एम्प्लॉय का जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो किससे मिंगल करता है, बिजनेस इंटरेस्ट से। कि वो ये बताता है कि जो बिजनेस का इंटरेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव करना, वही आपका होना चाहिए। क्योंकि अगर वो आपका रहेगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा अचीव होगा तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, इंसेंटिव ज्यादा मिलेंगे, बोनस ज्यादा मिलेंगे। जब ये तरीके की फीलिंग अगर उन्होंने एम्प्लॉयज में डाल दी तो क्या होगा, एम्प्लॉयज को हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही इतने अच्छे से और हार्ड वर्क से वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उन्हें खुद का प्रॉफिट भी दिख रहा है, उनको अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट दिख रहा है। किसके साथ, बिजनेस इंटरेस्ट के साथ। तो इस तरीके से ये सुपरवाइजर ये फंक्शन करेगा। गाइडेंस रिगार्डिंग यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो एम्प्लॉयज को कौन गाइड करेगा, सुपरवाइजर बताएगा। इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर एम्प्लॉयज। ओके, तो ये हमने सुपरविजन देखा, सुपरवाइजर क्या क्या करता है, क्या फंक्शन है वो देखे। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है, हम बोलते हैं कि जैसे सीए है, सीएस है, तो स्टूडेंट बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, सीए सीएस करते हैं वो लोग। हमें पता है सीए सीएस इज नॉट ए इजी टास्क, उसमें क्या अटेम्प्ट्स लगते रहते हैं।
तो जब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, उन्होंने एक अटेम्प्ट दिया, दो अटेम्प्ट दिया, तीन अटेम्प्ट दिया, फिर बोल देगा यार अब तो मैं नहीं दूंगा मम्मा, ऐसे होता है। तो उस केस के अंदर पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि नहीं बेटा वापस दे, क्या हुआ फेल हो गया तो वापस दे, ये कोई तो छोटी मोटी एग्जाम थोड़ी दे रहा है, ये 11th 12th या बीकॉम थोड़ी दे रहा है, तू तो सीए की एग्जाम्स दे रहा है, वापस दे, तू सीए बन जाएगा तो सोच तेरे आगे क्या लग जाएगा, सीए लग जाएगा, लोग तुझे जानने लगेंगे, तू बहुत पैसे कमाएगा, नाम कमाएगा, फेम कमाएगा, सब कुछ कमाएगा। उससे क्या होता है, स्टूडेंट वापस मोटिवेट हो जाता है करने के लिए, यार मम्मा तो सही बोल रही है, पापा सही बोल रहे हैं, यार मुझे तो करना ही है, मुझे मेरा नाम कमाना है। तो ये क्या हुआ, अंदर से फीलिंग आ गई, उसे प्रेशराइज नहीं किया गया, उसे मोटिवेट किया गया, उसे बोला जाता है मोटिवेशन। अंदर से जब फीलिंग आनी है मुझे तो ये चीज करनी है, तो उसे बोला जाता है मोटिवेशन। तो वही हम और अच्छे से देखते हैं क्या होता है, इट इज ए इंटरनल फीलिंग विच एनकरेज अ पर्सन टू वर्क, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, एमिनिटीज एक्सेट्रा। तो ये एक अंदर से फीलिंग आती है जो एनकरेज करती है कि हमें ये वर्क करना है। इसके अंदर हम कुछ देखेंगे, कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन के लिए, कुछ नॉन फाइनेंशियल दिए जाएंगे, कुछ फैसिलिटीज एमिनिटीज दी जाएगी, एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है मॉर्गन ने, वो देखते क्या है, मोटिवेशन इज दैट स्टेट ऑफ माइंड दैट लीड्स वर्कर्स टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। क्यों मोटिवेट किया जाता है, कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते, कि ताकि बिजनेस में जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से अचीव हो सके, इसीलिए उन्हें मोटिवेट किया जाता है। नाउ विल स्टार्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल ये कैसे हुआ, क्योंकि ये अंदर से मैंने अभी बताई इनर फीलिंग होती है जो हमारे अंदर से आती है कि हाँ यार मुझे तो ये चीज करनी है। तो वैसे ही एम्प्लॉयज के अंदर ये फीलिंग डेवलप करने का काम करेगा, कि ताकि उन्हें ऐसे फीलिंग हो कि हाँ यार मुझे बहुत अच्छे से वर्क करना है, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, मोटिवेशन दिया जाता है कि हाँ ये काम अच्छे से एम्प्लॉयज कर सके। कंटिन्यूस प्रोसेस है, एम्प्लॉयर्स को ये कंटिन्यूली उन्हें क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं होता कि एक बार मोटिवेट कर दिया तो वो क्या होगा कि वो लाइफ टाइम तक जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो मोटिवेट रहेंगे, नहीं। उनको आपको मोटिवेट बीच बीच में करते रहना पड़ेगा। वही आप अभी देखोगे कि मोटिवेशन के लिए क्या करें, तो कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दो, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दो, ताकि वो कंटिन्यू मोटिवेट रहे आपका काम करने के लिए। देन अचीवमेंट ऑफ गोल, हमें हमारा गोल अचीव करना है, उसके लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर बिजनेस में अचीव करना है गोल, तो आपको सारे वर्कर्स को मोटिवेशन देना पड़ेगा। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक फंक्शन हुआ मैनेजमेंट का कि आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर मोटिवेशन नहीं करोगे तो एम्प्लॉयज वर्क नहीं करेंगे अच्छे से, और जब वो मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं करेगा तो उस केस में आपका तो कोई मैनेजमेंट रहा ही नहीं। आ रही चीज समझ में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। Adopting change in an organization, adopting change in an organization, देखो business organization में changes आते रहते हैं, new new technologies आती रहती है, तो उस केस के अंदर क्या employees जल्दी से learn करना पसंद करेंगे, वो जल्दी से चाहेंगे कि हम changes adopt कर लें, नहीं। इसलिए उन्हें motivate करते रहना पड़ेगा, उन्हें motivation देना पड़ेगा कि हाँ आपको हम ये incentives देंगे जो उनके desires है, हमें उनकी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, कि ताकि वो मोटिवेट रहे और वो जो भी हम चेंजेस बोले उनको एडॉप्ट। इंटरनल इंस्पिरेशन है, इंटरनल फीलिंग आएगी इसके अंदर से। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, जिस तरीके से आप मोटिवेट उन लोगों को करोगे तो क्या होगा, वो लोग जल्दी से आपके बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन हो रहा है, और इट मीन्स वो जॉब नहीं छोड़ के जाएंगे तो हमारा लेबर रेट ओवर चेंज नहीं होगा, हमें बार बार में लेबर्स को चेंज नहीं करना पड़ेगा। वाइडर स्कोप, इसका स्कोप वाइड होगा, क्यों, क्योंकि हम जब मोटिवेट करेंगे तो मोटिवेशन में हम देखेंगे हमें बहुत सारे इंसेंटिव्स इन्हें देने पड़ेंगे, बहुत सारे बोनस देने पड़ेंगे, कुछ हमें नॉन मॉनेटरी चीजें इन्हें देनी पड़ेगी, तो इसका स्कोप क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, एफिशिएंसी बढ़ेगी जब हम उन्हें मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन हम देखेंगे अभी कैसे कैसे हम मोटिवेट करते हैं, तो उससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होनी है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड, कभी भी मोटिवेशन नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, नहीं देता। मोटिवेशन का मतलब ही होता है कि आप पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हो सामने वाले को, कि यार ये तू कर, ये तू करेगा तो बहुत कुछ हो पाएगा,
तो ये क्या है, पॉजिटिविटी देना सामने वाले पर्सन को, जो वो नेगेटिविटी में, मैंने कहा सीए वाला स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो गया है, पूरी नेगेटिविटी आ गई उसके अंदर। लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने उन्हें समझाया, उसके फ्रेंड्स ने समझाया, तो वापस पॉजिटिव वाइब्स आने लग गए, और वो क्या करेगा, एनकरेज हो जाएगा करने के लिए। सो इट गिव्स दी पॉजिटिव वाइब्स। टूल टू गेट कॉपरेशन, कॉपरेशन होगा, कॉपरेशन बढ़ेगा जब मोटिवेशन दिया जाएगा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, तो एक तरीके से उनके बीच में कॉपरेशन इंक्रीज होगा। तो ये सब चीजें हमने क्या देखी, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और भी उसे इजी करने के लिए मैंने दी है एक टेक्निक। पीसी से साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस, जीमेल गोल मैनेजमेंट, एडोप्टिंग, इंटरनल इंस्पिरेशन एंड लेबर। जीमेल हो गया कवर। पीसी से जीमेल स्टार्ट, एस स्कोप करके ईमेल, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, पर आए हुए फोटोज कॉपी की, पी एंड सी। पीसी से जीमेल स्टार्ट करके ईमेल पर आए हुए फोटोज कॉपी की। आई चीज समझ में, तो बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा। देन हिरार्की नीड्स बाय मैस्लो। अब देखो यहाँ पे मैस्लो ने कुछ यहाँ पे नीड्स बताई है कि आप किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो आपके एम्प्लॉयज को। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या नीड्स बताया। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स, इसके अंदर क्या हो गया है कि सबसे बेसिक नीड्स की हम जब बात करते हैं तो उसे बोला जाता है साइकोलॉजिकल। ये मैस्लो के अकॉर्डिंग उसने बताया है कि वो सोचता है ऐसे कि सबसे पहले अगर एम्प्लॉय आपके पास आ रहा है जो कि बहुत एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उस केस में सबसे पहले उसे मोटिवेट कौन करेगा, साइकोलॉजिकल नीड्स। वो आपसे क्या मांगेगा, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। वो ये तीन चीजें आपसे मांगेगा। क्या मांगेगा, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, उन्हें ये तीन चीजों की जरूरत रहती है। जब वो ये इस उसको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा तो वो आपसे क्या मांगेगा, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी मीन्स वो बोलेगा मुझे सिक्योरिटी चाहिए कि ठीक है मुझे कपड़ा मकान और क्या मिल गया, खाने का, राइट। मुझे ये तीन चीजें तो मिल गए, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए कि यार इससे भी ऊपर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बना लो आप मेरे साथ कि हाँ मुझे ये जॉब हमेशा रहेगी मेरे पास। तो एक तरीके से उसे क्या मिलेगी, सेफ्टी मिल जाएगी। तो इस तरीके से वो बात करता है सेफ्टी की, तो इस तरीके से वो मोटिवेट होगा। देन सोशल नीड्स, अब उसने कहा साइकोलॉजिकल हो गई, सेफ्टी हो गई, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ यहाँ पे सोशल नीड्स चाहिए। सोशल मतलब हम बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरे फ्रेंड्स बने, मुझे यहाँ पे सबसे कॉपरेशन मिले। तो यहाँ पे बात आ जाती है फ्रेंड्स की, यूनिटी की, कि मुझे यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशंस चाहिए, मुझे यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, सबसे बात करना चालू करना, फ्रेंडली नेचर डेवलप करना। उसके बाद उसका आ गया स्टेटस नीड। स्टेटस मतलब कि अब मैंने कहा यार मेरी बेसिक नीड्स भी हो गई, मुझे यहाँ पे सेफ्टी भी मिल गई, मेरे यहाँ फ्रेंड्स भी बन गए, अब मुझे यहाँ रिकॉग्निशन चाहिए। क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे रिकॉग्निशन चाहिए कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लोग आके बोले, एम्प्लॉयर बोले कि हाँ मेरा काम बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। एंड लास्ट चीज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स, मतलब मुझे लोग जानने लगे, मेरा एक प्रेस्टीज बन जाए, एक स्टेटस बन जाए, उसे बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स। ठीक है, यहाँ पे आके ये जो कंडीशन है ये बहुत रेयर होती है। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, हमने तो सब कुछ कमा लिया, मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मुझे यहाँ जॉब की सिक्योरिटी मिल गई, मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स बन गए, मुझे यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलने लग गया। अब जो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो चीज बहुत लेट आती है, वो बहुत रेयर केस में आपको मिले। क्लियर है? तो हिरार्की ये एक तरीके से मैस्लो बोलता है आप इस तरीके से उन्हें मोटिवेट करो, एक नीड पूरी होती है तो दूसरे पे जाओ, दूसरी को होती है तो तीसरे पे जाओ, जब भी वो मोटिवेट होंगे और आपके यहाँ पे अच्छे से वर्क करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके से आप जा सकते हो। अब देखते हैं हम कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए हैं कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हो। फर्स्ट वन, फाइनेंशियल नीड्स में हम देखते हैं शेयर इन प्रॉफिट। हमने एम्प्लॉयज को कहा कि हम क्या देंगे आपको, सैलरी के साथ प्रॉफिट में भी हिस्सा देना चाहते हैं, क्योंकि क्या आपका काम बहुत अच्छा है, तो मैं क्या करूंगी आपको प्रॉफिट में से भी शेयर दूंगी। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा वर्क करने के लिए। इस तरीके से आप मोटिवेशन दे सकते हो।
पार्टनरशिप, को पार्टनरशिप मतलब कि मैंने आपको पार्टनर पार्टनर बना लिया, इसमें तो सिर्फ आप प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे थे, इसमें आप मैनेजमेंट में भी हिस्सा देने लग गए, क्योंकि तो पार्टनर है, सब में हिस्सा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट के साथ आपको मैनेजमेंट में भी हिस्सा मिल जाएगा, तो उससे मोटिवेशन आएगा। प्रमोशन, प्रमोशन पोस्ट इंक्रीज करना, मिडिल से लोअर, मिडिल से आप टॉप लेवल पे चले गए तो क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, उससे भी क्या होगा, मोटिवेशन आएगा। बोनस, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, बोनस, जो जब दिवाली बोनस मिलता है, कोई भी फेस्टिवल्स पे बोनस मिलता है, या बहुत अच्छा वर्क करे उससे बोनस मिलता है, तो हम बोले कि आपने अगर ये टारगेट अचीव कर लिया तो आपको बोनस दिया जाएगा, तो क्या हुआ, मोटिवेशन हुआ, तो ये क्या है, मोटिवेशन। कमीशन, जितना भी सेल होगा उसका 10% आपको दिया जाए, क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया, कि सेल इंक्रीमेंट पे तो सोचेगा ज्यादा से साल ज्यादा से ज्यादा कंपनी का क्या हो, सेल हो, वो कैसे होगा, तो उस तरीके से वो मोटिवेशन आएगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मैं ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करूंगा, तो ये सब क्या है, ये सब मोटिवेशन सोर्सेस है। प्राइस, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कंपनीज में, जिससे भी वर्कर्स क्या होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, एंड सजेशन है, एडवाइजेस दी जाती है कि ऐसे नहीं, आप इस तरीके से वर्क करो, आपको एडवाइस दी जाएगी बहुत प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में, जिससे क्या होता है, मोटिवेशन इंक्रीज होता है। तो ये सब हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देखे ना, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी आपको दिए जाएंगे, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने यहाँ देखा कि सिक्योरिटी, देखिए आपको 10 साल तक की आपकी जॉब ये फाइनल है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, तो इससे क्या हुआ, मोटिवेशन आया कि हाँ यार मैं तो इस बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए अच्छे से काम करूंगा, ये एक मोटिवेशन आता है। रिकॉग्निशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड, एम्प्लॉयर को हमेशा रिवॉर्ड देना चाहिए, हमेशा रिकॉग्नाइज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए काम को, भले से उसमें कुछ कमी है, लेकिन जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे वो और अच्छे से काम करेगा, यार बॉस ने तो आज मेरी तारीफ की, होता है ये सबके साथ होता है, हमारे स्कूल में होता था, कॉलेजेस में होता था, ऑफिसेज में होता है, सब में होता है, तो वैसे ही अगर आप उसे रिवॉर्ड दोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, तो वो और अच्छे से मोटिवेट होगा वर्क करने के लिए। असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, हमेशा वर्क उसके अंडर में मत करो कि हाँ ये तुझे करना है वो करना है, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो, तो जिससे उसे मोटिवेशन मिलेगा कि ये तो मेरा ही काम है, मुझे रिस्पॉन्सिबल हो गया इसके लिए मैं, तो ये क्या होगा, उसे ऐसे लगेगा कि हाँ मेरा यहाँ पे थोड़ा सा पावर इंक्रीज हो रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। एडवाइजर, उसे हमने क्या बना दिया, एडवाइजर की तरह बना दिया, तो इससे क्या होगा, उसे फील होगा कि हाँ मैं भी कोई चीज के लायक हूँ, और इस तरीके से उसका प्रमोशन हो रहा है। वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एमिनिटीज, उन्हें कुछ अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है, उनके लिए हम वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज अगर कुछ हो रहा है, या उनके चिल्ड्रन से रिलेटेड आप उन्हें कुछ फैसिलिटीज दे रहे हो, उनको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हो, उनको कुछ ट्यूशन फीस दे रहे हो, उनके एडुकेशन की जो भी फीस है वो हम फिलअप कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब उन्हें क्या करती है, मोटिवेट करती है। एंड अदर इंसेंटिव्स, अदर इंसेंटिव्स कुछ भी इंसेंटिव्स हो सकते हैं, स्टाफ को आप कुछ भी इंसेंटिव्स दे रहे हो, उनका इंश्योरेंस करा रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हो, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ कर रहे हो, उनको ट्रिप के लिए कोई टिकट्स दे रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब इंसेंटिव्स है, जिससे वो क्या होंगे, जिससे वो प्रमोट होंगे वर्क करने के लिए, मोटिवेट। क्लियर है, आई थिंक सबको अच्छे से ये समझ में आया है। तो यहाँ पे हमने ये दो टॉपिक्स क्लियर किए हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के, जो कि हमने यहाँ पे देखा, मोटिवेशन देखा और हमने सुपरविजन देखा। अब हमारे दो टॉपिक्स और बचे हैं, दैट इज लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, वो मैं मेरे नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है, सो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, ओके बाय।